नमस्कार एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूर्य को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी, जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 27 नवम्बर से लेकर 3 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहां जाकर चेक कीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसमें आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ आप कोई कनेक्शन फील कर रहे थे, मतलब उनके साथ आप लव लाइफ में थे या किसी रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो और उससे सेपरेशन दुनिया बन चुकी हैं, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है उसे देख लेते हैं। जस्टिस, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ ये आपको जस्टिस मिला है, न्यायप्रिय आप रही है। जो हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया है उसे जस्टिस बहुत प्रिय था। वो लिब्रा हो सकता है, उसे जस्टिस अच्छा लगता है, हर हाल में वो जस्टिस करने वाला बंदा हो सकता है, या फिर आपको आप न्यायप्रिय हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अगर फ्यूचर पास्ट में कोई गलतियां भी हुई हैं, अगर किसी ने गलती की है तो यहाँ उन चीज़ों का समाधान होता दिखाई दिया है। आपने एक दूसरे को माफ़ किया है और आपने महसूस किया है कि अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय आप हो सकते हैं, खुशियां मिल सकती हैं। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वो एक जस्टिस के साथ, एक न्याय के साथ, एक खुशी के साथ बीता है। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है और आपका जो है रिश्ता या जो प्यार प्रेम जो भी चीज़ें थी वो बैलेंस होती, आपकी लाइफ जो है बैलेंस होती दिखाई दी है इन दिनों। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। द टावर, तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आप थोड़े से जो आपके मन में जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े से ख्यालात आपको लग सकता है कि कुछ दुविधा है आपके रिश्ते में या आपके जॉब बिजनेस में या आपके लव लाइफ में। जो जो भी प्रॉब्लम है आप महसूस कर सकते हैं कि पास्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, पनौती की तरफ सब कुछ जा रहा है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरज रखिएगा, समय के साथ वक्त के साथ जो भी ये जो प्रेजेंट एनर्जी है वो ख़त्म होगी और चेंज होगी, बदलाव आएंगे, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा सा आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, आप का जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं रही है जैसे पास्ट में थी। तो थोड़ा सा इसमें यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, ओवर थिंकिंग ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है स्वभाव क्या, थोड़ा तनाव हो सकता है, परेशानी दुविधा हो सकती है, लेकिन चीज़ें हो सकता है कि कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कुछ जो पुरानी चीज़ें थी, पुराना रिश्ता था, पुराना था, वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाकर कोई नई चीज़ आ रही हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब के लिए नेगेटिव हो, किसी के लिए भी ये समय पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, समय थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। जो भी अगर आपको लग रहा है कि समय ठीक नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे करके वो समय भी आपका जो वो है चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, सॉरी गाइज, पहले हम नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं कि अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, इन दिनों आ रहा है,
27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में, तो उस पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। द हर्मिट जी, कोई मतलब अभी नया पर्सन आपके रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि पहले उसे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, या फिर आप अभी किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में नहीं चाहते। आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता निभाना इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। पहले आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। अपने आप हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो समय सही नहीं चल रहा है, जो प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं बीता है, तो अगर आपको तो आप उसको थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो नेगेटिव समय है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर सचमुच रिश्ते में आप आना चाहते हैं तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और अपने आप को स्पेस देते हुए अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको हिम्मत देने में आपकी मदद करेगी। आप अपने पैरों पर खड़े होने में, अपना रास्ता दिखाने में मदद करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको हिम्मत मिल सकती है। और जो अगर जहाँ तक नए पर्सन की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं अभी वो जो नया पर्सन अगर आना भी चाह रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको ना जानते हो, वो आपको जानता हो, या आप उसके जानते हैं, आने वाला पर्सन ना जानता हो। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो अभी थोड़ा सा अपने आप को समय वक्त देने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता है कि रिश्ता बनाना है तो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो अभी जो एनर्जी है, एनर्जी आने की हो सकती है, लेकिन अभी वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिश्ते में आने का उनका कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर उससे दूरियां बन चुकी हैं, सेपरेशन हो गया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, तो उसकी एनर्जी देख लेते हैं। 9 ऑफ वांड्स जी, जो पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में था, जिससे आप डील कर रहे थे या जानते थे, तो वो इस रिश्ते में फिर से स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है, या फिर आप उनके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, अब उनको समझ में आ चुका है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो वो हालांकि वो अभी भी परेशानी में है, दुविधा में है, वो इस परेशानी से जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो आप दोनों के बीच में प्यार प्रेम था, वो सारा ख़त्म हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक तरफ से ख़त्म नहीं हुआ, तो वो और वो इस वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, चाहे ये किसी तरफ से भी ख़त्म क्यों ना हुआ हो। तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। नए पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा इसमें बनती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो पहले वो क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अब उन्होंने समय वेस्ट कर दिया तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी, पुराने पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आने की बन रही है, और वो वही पास्ट पर्सन है जिसके साथ हो सकता है कि आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आप उन्हें रिश्ते से निकाल चुके थे, या फिर वो आपको रिश्ते से निकाल चुके थे। तो वही पर्सन इस रिश्ते को एक मौका एक्सटेंड और देने के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है कि गलतियां दोनों से हुई हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर वो स्टैंड लेंगे तो रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है। तो ऐसा फील करते हुए वो इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी बन रही है आने की, और वो जल्दी ही इस रिश्ते में सोच समझ कर स्टैंड लेना चाहते हैं। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए, गाइडेंस क्या रह सकती है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके काफ़ी प्रॉब्लम रही है, काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है एक दूसरे को, अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो अभी पहले आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, जब तक आपको नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, जब तक आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर से परेशानी बढ़ सकती है। और अगर इसमें आप वापस आना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। अगर आप सोच विचार करके, जैसे ये टाइम ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगर आप तो एक एंजाइटी का, एक स्ट्रेस का, एक दुविधा का कार्ड होता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसको अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको बहुत सोचना समझना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि फिर से आप इस प्रॉब्लम में आ जाए। और अगर आना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पहले अपने आप को हील कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए और इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फिर रिश्ते को शुरू करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।